यह अमेठी जनपद के थाना जायस अंतर्गत बहादुरपुर ग्राम सभा का गांव पूरे सफू है और यहां एक निर्माण को लेकर आज विवाद चल रहा है। पता करते हैं कि क्या बात है, क्या विवाद है यहाँ। विवाद सर ये है कि गलत तरीके से पट्टा हुआ, यहाँ पे होली और गुड़िया पीटी जाती हर साल। ये पूरे गांव से मतलब पूरे समाज का वो है जो कादे सामाजिक कार्य होता है यहाँ से। ये गलत तरीके से पट्टा होता है, हम ये चाहते हैं जमीन खाली कराई जाए। गलत तरीके से पट्टा हुआ जी जी, किसके नाम? ये हनुमान प्रसाद और क्या नाम है रामदास जी के नाम। कहाँ के रहने वाले हैं ये? गोरियाना जायस के रहने वाले हैं। मतलब ये आप लोग, ये गांव वाले सभी इसका विरोध कर रहे हैं? कितने लोग विरोध कर रहे हैं? पूरा गांव है, पूरा गांव है। तो ये पूरे गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर जो इनको पट्टा दिया गया है। और इनका कहना ये है कि ये निवासी हैं नगर पालिका जायस के और यहाँ पर भू प्रबंधन समिति बहादुरपुर ने किस समय सन में पट्टा दिया गया? सन 2020 में हुआ। 2020 में इन्हें गलत तरीके से पट्टा दिया गया, ये ग्रामीणों का आरोप है। आप लोगों ने कहीं शिकायत की संदर्भ में अधिकारियों से? हमने कोर्ट चले गए, कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया है सर। अच्छा, अभी कल काम लगा था। किस कोर्ट में गए हैं ये? डीएम के यहाँ गए सर। अच्छा, डीएम के यहाँ सर। सर क्या दायर किया है वहाँ? मुकदमा दायर किया सर, पेपर है, पेपर दो। अच्छा, आपने ये कागज दाखिल किए हैं? जी जी जी। और पट्टा निरस्तीकरण की दरख्वास्त दी है? जी 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 जी। तो आपका क्या नाम है? हनुमान। पट्टा आपके नाम है जी? कब हुआ है पट्टा? दोनों लोग का कागज देख लीजिए। नहीं आता होगा ना पट्टा कब हुआ है? कागज दो मार्च को। ये 24 मार्च 2020 का पट्टा है, रमेश कुमार ग्राम प्रधान। और इस पट्टे के अनुसार रामदास जो निवासी पूरे दीक्षित के दर्शाए जा रहे हैं, लेकिन आरोप है कि ये यहाँ के निवासी नहीं है, ये नगर पालिका के निवासी हैं। इसी को लेकर विवाद है। अब देखिए, उच्चाधिकारियों तक ग्रामीणों ने शिकायत की है, अब इसमें क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी? उन्होंने गलत तरीके से पट्टा दिया या ग्रामीण इनको? ये हमारा बहादुरपुर का एड्रेस है, देख लीजिए। एक बिसुआ हनुमान के नाम पट्टा है और एक बिसुआ ही इनके पिता रामदास के नाम पट्टा है।